हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ऑल गुड। चलिए तो वर्क एनर्जी और पावर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का आज ये दूसरा पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने मेनली 10 क्वेश्चन सीखे थे और मेनली उसमें क्वेश्चन थियोरेटिकल थे। अब जो आप क्वेश्चन करने वाले हो वो एक्चुअली न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा। ये पार्ट में जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो शुरू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज वर्क एनर्जी पावर का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस, मतलब बॉडी जेड एक्सिस पे ही मूव कर सकता है। ओके, ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू द कांस्टेंट फोर्स एफ। ओके, यू आर गिवन अ कांस्टेंट फोर्स एफ व्हिच इज माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k न्यूटन। ओके, where I, J and K, we are aware about that, they are the unit vectors in the direction of x, y and z. What is the work done by this force in moving the body a distance of 4 meter along z axis? चलिए आपको क्या find करना है, आपको find करना है work done to move body along z axis by 4 meter. तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बच्चों, दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 4, 4 मीटर मूव करना है। कौन से डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? के। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। के क्यों लिया? बिकॉज इट इज इन जेड डायरेक्शन। अगर एक्स में कहा होता मैं आई लेता, वाई में कहा होता तो मैं जे लेता। चलिए अब मुझे फाइंड करना है वर्क डन। वी हैव द फॉर्मूला एफ इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी। चलिए एफ है माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k डॉट 4k। चले डॉट प्रोडक्ट सिखाया है मैंने आपको अच्छे से। डॉट प्रोडक्ट में आप क्या करोगे बच्चों? i के साथ i वाला टर्म, j के साथ j वाला टर्म, k के साथ k वाला टर्म। यहाँ पे i वाला टर्म नहीं है, j वाला भी नहीं है, खाली k वाला ही टर्म है। तो k के साथ k वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 = 12। बाकी कुछ नहीं आएगा, आंसर आएगा जूल में। वर्क है ना? सो योर आंसर इज 12 जूल। सीधा है, 4 × 3 = 12, क्योंकि i के साथ i डॉट j, i डॉट k 0 होगा, j डॉट k 0 होगा, खाली k डॉट k होता है आपके पास 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल सा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखिएगा ध्यान से। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। द फर्स्ट विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द सेकंड विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख दे डेटा को। चलिए आप कहते हो तो लिख देते हैं। वी हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए विच इज फास्टर, द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? चलिए फास्ट कौन है? फास्ट कौन है मतलब आपको फाइंड करना है वेलोसिटी। ओके, यू मस्ट बी गिवन विद द मास ऑल्सो, ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो पहले स्पीड निकालो दोनों का, फिर उसका रेशियो निकालो। ओके, यू हैव गिवन अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास दिया है आपको 9.11 × 10⁻³⁻³ kg और प्रोटॉन का मास दिया हुआ है 1.67 × 10⁻²⁰ kg, राइट? चलिए तो ये क्वेश्चन तो एकदम मामू जैसा है। आपको काइनेटिक एनर्जी दे दिया है, तो आपको पता है ना फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई? 1/2 × mv², तो वही करना है आपको। आप यहाँ पे लिखोगे काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू 1/2 mv², राइट? तो आपको वेलोसिटी मिलेगा 2k/m, उसका करना पड़ेगा आपको अंडर रूट। 2k/mass, v का स्क्वायर है तो अंडर रूट कर दो। चलिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए तो आप इलेक्ट्रॉन का डेटा रखोगे, अगर आपको प्रोटॉन के लिए चाहिए तो आप प्रोटॉन का डेटा रखोगे। तो काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास है, मास भी आपके पास दिया हुआ है। कन्वर्शन याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 10, किलो का मतलब है 1000, इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, सेम एज हियर 100 किलो इलेक्ट्रॉन जूल, राइट? तो अब मुझे नहीं लगता आपको मेरी कोई ज़रूरत है यहाँ पे। अब आप सीधा सीधा वैल्यू डालना, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बता देता हूँ कितना आएगा वो, 5.93 × 10⁻⁷। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 5.93 × 10⁻⁷ एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन आएगा, बताऊँ कितना आएगा, दिस इज 4.38 × 10⁻⁶। 4.38 × 10⁻⁶, देख लो कौन स्पीड में जा रहा है, ये स्पीड में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, राइट? और रेशियो आप निकाल लेना वी बाई वी पी करके, बता दो चलो आंसर कितना है। रेशियो का आंसर है 13.5,
ठीक है, तो ये एक मामू क्वेश्चन आ गया था, खाली हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करना था आप सबको। चलिए कॉपी करेंगे, फिर आ रहे हैं मस्त मस्त क्वेश्चन, कॉपी इट। ओके, चलिए बारी है रेन ड्रॉप के क्वेश्चन को करने की। ऐसा पूछा है कि अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 500 meters अबव द ग्राउंड। इट फॉल्स विद अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली दैट इज ड्यू टू द डिस्कस रेसिस्टेंस ऑफ द विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ द एयर अंटिल एट हाफ इट्स ओरिजिनल हाइट। इट अटेन्स इट मैक्सिमम दैट इज अ टर्मिनल स्पीड एंड मूव विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड देयर आफ्टर। ये सब आप पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, टर्मिनल स्पीड क्या होता है वो। वॉट इज अ वर्क डन बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी। वॉट इज अ वर्क डन बाई रेसिस्टिव फोर्स इन द एंटायर जर्नी इफ इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 meters per second। देखते जाइए, पहले सवाल को फॉर्म कर लेते हैं। अ रेन ड्रॉप विच हैज अ रेडियस 2 mm, लेट्स से दिस हैज अ रेडियस ऑफ 2 mm, मीटर में कन्वर्ट करिए 2 × 10⁻³ meters। इट इज फॉलिंग फ्रॉम द हाइट एच ऑफ 500 meters, राइट। इट फॉल्स विद अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू द विस्कस रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ द एयर अंटिल एट हाफ इट्स ओरिजिनल हाइट, ओके, एंड इट अटेन्स द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड देयर आफ्टर। चलो तो अभी आपको क्या करना है, ये जो रेन ड्रॉप है ना, इसमें एक वन मूव फिगर किया, सपोज ये एच जितने हाइट से गिरा, अब जो आधा मोशन है ना उसका एच बाई टू जितना, राइट, यहाँ पे विस्कस फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? यहाँ पे जो मोशन है उसमें लग रहा है विस्कस ड्रैग फोर्स, और उसकी वजह से उसका जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। एज सून एज इट विल रीचेस टू दिस पॉइंट, यहाँ पे जब आ गया ना आधी हाइट के ऊपर, अब बाकी बची आधी हाइट एच बाई टू, यहाँ पे उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुका है, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं भाई उसको? उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जो मैक्सिमम होता है, और फिर उसी वेलोसिटी वो जमीन पे गिरा, इसी वेलोसिटी से वो जमीन पे गिरा, और जब जमीन पे गिरा तब उसका फाइनल वेलोसिटी था 10 meters per second। जमीन पे जब गिरा तब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना था भाई? 10 meters per second जितना उसका फाइनल वेलोसिटी था। चलिए तो आपको करना क्या है बच्चों, आपको ये फाइंड करना है, सबसे पहला आपको पूछा गया है व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड द सेकंड हाफ ऑफ अ जर्नी एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, चलिए मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ओके, तो दो हाफ हम डिवाइड कर लेते हैं, लेट्स कॉल इट एस ए बी एंड दिस पावर पॉइंट इज सी, नाम दे दो ताकि आप दो हाफ इजीली आइडेंटिफाई कर सको, ए बी एंड ए सी। ओके, सबसे पहले तो आप ड्रॉप का मास फाइन कर लो। सबसे पहले हम फाइन करेंगे मास ऑफ ड्रॉप, क्योंकि मास हमें चाहिए होगा, बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स होता है मास इंटू ग्रेविटी, तो मास चाहिए ना आपको, ठीक है ना। चलिए तो मास ऑफ अ ड्रॉप m इज इक्वल टू, मास होता है बच्चों डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सिंपल रिलेशन, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सिंपल रिलेशन, राइट। चलिए पानी का ड्रॉप, तो पानी का डेंसिटी अगर नहीं दिया होता आपको लेना होता है 1000 kg per meter cube, यहाँ पर नहीं दिया होता है, पानी का डेंसिटी दिया है आपको? नहीं दिया है, तो आपको एज्यूम करना है पानी का डेंसिटी होता है 1000 kg per meter cube, याद रखिएगा ये वैल्यू, अगर ना दिया हो तो 1000 लेना है पानी का डेंसिटी। वॉल्यूम स्फेरिकल होता है तो उसका वॉल्यूम लेंगे 4/3 πr³, रेडियस कितना है भाई 2 mm, दैट इज 2 × 10⁻³, क्या करेंगे उसका क्यूब, राइट। तो ये हो गया आपका डेंसिटी, ये है वॉल्यूम। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो आपका मास आएगा, लेट मी टेल यू आपका मास कितना आएगा, आपका मास आएगा 3.35 × 10⁵, 3.35 × 10⁵ kg, दिस इज द मास ऑफ द ड्रॉप, इट्स अ वेरी फर्स्ट थिंग। चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, लेट्स फाइंड इट आउट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है mg, F इज इक्वल टू mg। चलिए मास है आपके पास 3.35 × 10⁵, ग्रेविटी का वैल्यू ले लो 9.8, दिस इज 3.28 × 10⁻⁴ newton, राइट, ओके। चलिए अब जरा आपको ध्यान देना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ओके okay? तो आप क्या करोगे यहाँ पे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स
राइट, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स यू कैन राइट डब्ल्यू जी. ओके, और फर्स्ट हाफ के अंदर है, लेट्स टॉक अबाउट इन द फर्स्ट हाफ. फर्स्ट हाफ का नाम क्या है भाई हमारे अंदर, फर्स्ट हाफ का नाम है ए बी. तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स इन फर्स्ट हाफ ए बी. राइट, तो वर्क डन होता है भाई सिंपल है, फोर्स इंटू डिस्टेंस. कौन सा फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स कितना है ये, 3.28 इंटू 10 पावर माइनस 4. और फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस है h बाई टू. एच बाई टू मतलब 250 मीटर. तो दिस डिस्टेंस यू कैन डायरेक्टली राइट, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू h बाई टू, दैट इज 250 मीटर. चलिए इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना बच्चों, तो आपका आंसर आएगा 0.082 जूल. दिस इज वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन द फर्स्ट हाफ. सिमिलरली वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन द सेकंड हाफ भी सेम ही रहने वाला है, बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स तो mg ही रहने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. ग्रेविटेशन फोर्स चेंज होता नहीं है, ग्रेविटेशन फोर्स विल रिमेन एज इट इज. राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे के वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स इन सेकंड हाफ, डब्ल्यू जी टू इन सेकंड हाफ इज ऑल्सो सेम, दैट इज ऑल्सो 0.082 जूल. राइट, बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स बदलता नहीं है, एज ग्रेविटेशन फोर्स रिमेन सेम थ्रू आउट. ग्रेविटेशन फोर्स रिमेन सेम थ्रू आउट. राइट, चलिए अब थोड़ी आपको कथा करनी पड़ेगी. नाउ वी विल फाइंड द वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स. अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स. अब हमें रेसिस्टिव फोर्स का कोई फॉर्मूला दिया नहीं है. वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स, और हमें रेसिस्टिव फोर्स का यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला दिया नहीं है. राइट, तो हम पहले फाइंड करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से. तो हम पहले ये फाइंड करते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हुआ है ड्रॉप का. तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्रॉप, दैट इज डेल्टा के, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल तो ड्रॉप स्टेशनरी था, वी कैन टेक इट इज जीरो. तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू ब्लॉक का मास, ड्रॉप का मास है 3.35 इंटू 10 पावर माइनस 5, और ड्रॉप जब गिरा तो उसका फाइनल वेलोसिटी आपको दिया था 10 मीटर पर सेकंड जब वो जमीन पे गिरा तब. राइट, तो दिस इज इंटू 10 स्क्वायर. चलिए आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो आपका काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा 0.001675 जूल. दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 0.001675. राइट, चलिए अब आप देखिए बच्चों आगे नेक्स्ट क्या करने वाले हैं. हम नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे कि टोटल ग्रेविटेशन ने कितना वर्क किया, बिकॉज वर्क एनर्जी थ्योरम में ऐसा कहता है कि एस पर वर्क एनर्जी थ्योरम टोटल वर्क डन कहीं नहीं जाना है, ये जाएगा काइनेटिक एनर्जी को बदलने में. टोटल वर्क डन कहाँ जाएगा बच्चों, टोटल वर्क डन जाने वाला है काइनेटिक एनर्जी को बदलने में. राइट, चले टोटल वर्क डन में आपका ग्रेविटी का वर्क डन है प्लस वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स जो आपको फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के. चलो ग्रेविटी का टोटल वर्क डन कितना है, तो पहले हाफ में ग्रेविटी ने वर्क किया 0.082, दूसरे हाफ में भी ग्रेविटी तो उतना ही वर्क कर रहा है 0.082. तो टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज 0.082 प्लस 0.082. ये आपको फाइंड करना है W by resistive force and change in kinetic energy you have. चलिए हो जाएगा आपका 0.164, राइट, प्लस WR इज इक्वल टू 0.001675. तो WR सामने ले जाओ 0.001678 माइनस 0.164. चलिए आप जैसे ही सब्ट्रैक्शन करोगे ना बच्चों, आपका आंसर आएगा माइनस 0.16225, माइनस 0.16225 जूल. दिस इज द वर्क डन बाई द रेसिस्टिव फोर्स. पूरे मोशन में रेसिस्टिव फोर्स इतना वर्क डन कर रहा है. राइट, एज यू कैन सी दिस साइन इज नेगेटिव बिकॉज रेसिस्टिव फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है. तो डेफिनेटली वैसे भी उसका वर्क डन कैसा आना चाहिए भाई, नेगेटिव आना चाहिए, जो आ भी रहा है. समझा अब इतना. राइट, तो पहले क्या किया हमने, ड्रॉप का जो डेटा था उसे मास निकाल लिया, ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड कर लिया. अब ग्रेविटी कितना वर्क करेगा, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. पहले हाफ का डिस्प्लेसमेंट h बाई टू, दूसरे हाफ का भी डिस्प्लेसमेंट h बाई टू, बिकॉज दोनों हाफ के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स तो सेम ही रहने वाला है, mg, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. तो वर्क डन इज ऑल्सो सेम. अब रेजिस्टिव फोर्स कितना वर्क करेगा,
तो रेजिस्टिव फोर्स का कोई फॉर्मूला तो दिया नहीं है कि हम यूज़ करते फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ही नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं कुछ और सोचते हैं। सो हमें फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है ड्रॉप का, तो हम काइनेटिक एनर्जी यूज निकाल सकते हैं उससे। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का चेंज फाइंड करूँ तो आई कैन गेट द टोटल वर्क डन फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आई फाइंड चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन में आएगा ग्रेविटी प्लस रेजिस्टिव फोर्स का वर्क, सॉल्व करो आपको रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन भी मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कॉपी करो चलो क्विकली।